सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदूषण मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के तहत स्वीकृत वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 113 प्रवेश बिंदुओं में से 13 प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर मुख्य रूप से निगरानी रखी जाती है ताकि ग्राफ चरण 4 के खंड ए और बी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगभग 100 प्रवेश बिंदुओं पर ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और CAQM द्वारा पारित आदेशों के बावजूद दिल्ली सरकार और पुलिस GRAP चरण 4 तहत धाराओं का पालन करने में विफल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर CCTV कैमरे लगे हैं। कोर्ट ने CCTV फुटेज जल्द से जल्द एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया। कहा कि बार के 13 वकील विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर जाएंगे और यह पता लगाएंगे कि उन प्रवेश बिंदुओं पर GRAP चरण 4 के खंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं। बता दें कि दिल्ली NCR में शुक्रवार सुबह वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई और क्षेत्र में धुंध की पतली परत छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार सुबह 7.15 बजे तक दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 371 रहा। NCR के अन्य शहरों में फरीदाबाद में AQI 263, गुरुग्राम में 281, गाजियाबाद में 274, ग्रेटर नोएडा में 234 और नोएडा में 272 रहा। दिल्ली के 7 इलाकों में AQI का स्तर 400 से ऊपर और 450 के बीच रहा। आनंद विहार में यह 410, बवाना में 411, जहांगीरपुरी में 426, मुंडका में 402, नेहरू नगर में 410, शादीपुर में 402 और वजीरपुर में 413 रहा। दिल्ली के अन्य अधिकांश हिस्सों में AQI बहुत खराब श्रेणी में है। बताया गया कि अलीपुर में 389, अशोक विहार में 395, आया नगर में 369, बुरारी क्रॉसिंग में 369, चांदनी चौक में 369, मथुरा रोड में 333, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 373, IGI एयरपोर्ट में 357, दिलशाद गार्डन में 320, ITO में 344 और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 342 AQI रहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है। कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार के दिए हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने ग्राफ 4 के 2 बिंदुओं पर भी असंतुष्टता जताई है। इसके अलावा अदालत ने एंट्री पॉइंट्स पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करे। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में भयानक रूप ले रहे प्रदूषण पर आज चिंता व्यक्त करते हुए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत स्वीकार्य वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने पॉल्यूशन पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट जो हमारे बच्चों का भविष्य चुरा रहा है और बुजुर्गों का दम घुट रहा है। यह एक पर्यावरणीय और आर्थिक तबाही है जो अनगिनत लोगों के जीवन को बर्बाद कर रही है। राहुल ने कहा कि हमारे बीच सबसे गरीब लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं। वे अपने आसपास की जहरीली हवा से बच नहीं सकते हैं। परिवार साफ हवा के लिए तरस रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और लाखों लोगों की जान जा रही है। पर्यटन गिर रहा है और हमारी वैश्विक प्रतिष्ठा गिर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।